इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ईयर 1969 में इंडिपेंडेंस डे के दिन की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत की मदद से लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था। पहले इसरो अपने स्पेस इक्विपमेंट्स को बैलगाड़ियों में साइकिल में लेकर जाया करता था और आज के समय इसरो दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में से एक है। पिछले कुछ सालों में इसरो ने भारत का गौरव बढ़ाया है, देश की सुरक्षा में योगदान दिया है, स्पेस सेक्टर में अपना लोहा मनवाया है। दुनिया की नजर में इसरो तब सामने आया था जब उसने 2008 में चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था और इस मिशन से भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने चांद पर पानी खोज निकाला था और इसका सबूत सभी स्पेस एजेंसीज को भेजा था और सभी ने इसे सही माना था। फिर उसके बाद जब इसरो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे पहुंच गया था तब पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना था, पर कोविड के चलते इसरो के 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। इन 3 सालों में इसरो के बहुत से मिशन डिले हो गए हैं, पर 2023 से इसरो फिर से दुनिया में अपना लोहा मनवाने जा रहा है। अब हर साल इसरो एक बड़ा स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है और वो मिशन कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसरो के 10 अपकमिंग स्पेस मिशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इन स्पेस मिशन से आने वाले समय में भारत कैसे एक स्पेस सुपर पावर बनेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इसरो ने मिशन चंद्रयान अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था और चंद्रयान ने मून पे आइस वाटर ढूंढ निकाला था और ऐसा करने वाला इसरो फर्स्ट स्पेस एजेंसी बना था। इस सफलता के बाद इसरो चांद पे एक बार फिर से प्रॉपर रिसर्च करना चाहता था। 11 साल बाद इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 2 मिशन एक रोबोटिक रोवर मिशन था जो मून के साउथ पोल पर उतर कर वहां पे रिसर्च करता, पर कुछ टेक्निकल इशू के चलते चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। पर इस बात से इसरो ने हार नहीं मानी और वहीं से शुरुआत हुई मिशन चंद्रयान 3 की। इसरो 2020 में ही चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला था, पर कोविड के चलते ये मिशन 3 साल के लिए डिले हो गया। तो अब 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 मिशन में रोवर और लैंडर होंगे। चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट 615 करोड़ रुपए है, जबकि चंद्रयान 2 की कॉस्ट 700 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। तो इन बीते 3 सालों में इसरो ने चंद्रयान मिशन की कॉस्ट को भी कम कर दिया है। इस मिशन के बारे में आप लोग कई सालों से सुन रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिशन इसरो का अब तक का सबसे टफ मिशन है। इस मिशन के चलते इसरो सन को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी छुपी हुई मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसरो इस मिशन से अर्थ और सन के बीच के गैप में सैटेलाइट को प्लेस करेगा। अर्थ और सन के बीच लैग्रेंज पॉइंट होता है जहां पे ज्यादा ग्रेविटी नहीं होती है, तो सैटेलाइट को ना सन की ग्रेविटी अपनी ओर खींच सकती है और ना ही अर्थ की। तो उस पॉइंट पे इसरो सैटेलाइट को प्लेस करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि इसरो सन को स्टडी करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बनेगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ऐसा सेम मिशन ट्राई किया है, पर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए आज भी सन हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। आदित्य मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सन के आउटर लेयर्स, कोरोना और क्रोमोस्फीयर्स को ऑब्जर्व करना है और फिर उनको एनालाइज करना है और डेटा कलेक्ट करना है। साथ में सोलर स्टॉर्म के बारे में भी जानना है। आदित्य मिशन से इसरो सन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाएगा। इसके अलावा सन की और भी बहुत सी मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा। ये मिशन इसरो के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है, पर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इसरो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाए और हमें सन के बारे में कुछ नई बातें जानने का मौका मिले। गगनयान मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा के लिए भेजा जाएगा। वैसे जो भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे उनका नाम वायोनॉट्स रखा गया है, जैसे कि अमेरिका से जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका नाम एस्ट्रोनॉट्स होता है, रशिया से जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका नाम कॉस्मोनॉट होता है, वैसे ही भारत से जो 3 लोग स्पेस में जाएंगे उनका नाम वायोनॉट्स होगा। तो 3 इंडियन वायोनॉट्स 7 दिन के लिए स्पेस में रहेंगे। 7 दिन के लिए वायोनॉट्स एक कैप्सूल में होंगे ऑरेंज कलर की स्पेस सूट पहने हुए। गगनयान मिशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले 2 अनमैन्ड मिशन होंगे जो 2023 में किया जाएंगे, उसके बाद मैन मिशन 2024 में होगा। एक्चुअल में गगनयान मिशन को 2022 में लॉन्च करने का प्लान बनाया गया था, पर फिर कोविड के चलते ये मिशन भी डिले हो गया। इस मिशन की कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए है। वैसे अगर हम गगनयान मिशन की कॉस्ट को बाकी स्पेस एजेंसीज की कॉस्ट से कंपेयर करें तो गगनयान मिशन बाकी स्पेस एजेंसीज के ह्यूमन स्पेस मिशन का सिर्फ 10% है। अगर इसरो का गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत ह्यूमन स्पेस मिशन के मामले में दुनिया का 4th देश बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। इस समय इसरो के पास 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV
हैवी वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, PSLV लो और मीडियम वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। पर इसरो लो वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक नया लॉन्च व्हीकल SSLV बना रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या होगा, तो देखो जितनी कॉस्ट PSLV को लॉन्च करने में लगती है उसका सिर्फ 1/10 मतलब कि सिर्फ 10% कॉस्ट ही लगेगी SSLV से सैटेलाइट को लॉन्च करने में। तो सोचो कितने कम खर्च में इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और इससे इसरो को कितना फायदा होगा। वैसे भी इसरो को बेटर रिजल्ट इन लो कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे 10 फरवरी 2023 को इसरो ने SSLV का टेस्ट किया था जो सक्सेसफुल रहा है। SSLV लो अर्थ ऑर्बिट तक 500 किलो पेलोड ले जा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि SSLV इसरो के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा, तो देखो इसरो आने वाले समय में कुछ इंडियन प्राइवेट कंपनीज को SSLV की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है, जिससे इंडियन कंपनी लो कॉस्ट में बहुत सारी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगी, जिससे आने वाले समय में इसरो का टाइम भी बचेगा और साथ में वर्कलोड भी कम होगा। रही बात पैसों की, तो इसरो प्राइवेट कंपनी से सैटेलाइट लॉन्च करने का कुछ परसेंटेज ले लेगा। कितना परसेंट लेगा और कितने में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा आपको साल भर में पता चल जाएगा। निसार वर्ल्ड की बेस्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1.5 बिलियन है। इस सैटेलाइट की मदद से अर्थ में क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, आर्टिक और अंटार्कटिक में जो बर्फ पिघल रही है उसका क्या कारण है, ये सब निसार सैटेलाइट ट्रेस करेगी। इसके अलावा निसार सैटेलाइट नेचुरल हजार्ड पे भी नजर रखेगी। ये मिशन नासा और इसरो साथ में मिलकर कर रहे हैं। 2016 में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस मिशन से इसरो स्पेसक्राफ्ट को दोबारा यूज करना चाहता है, जिससे लॉन्च कॉस्ट कम हो सके। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्पेस शटल की तरह काम करेगा। ये स्पेस में सैटेलाइट को छोड़ के वापस अर्थ पे आ जाएगा। ये जमीन पे एक एयरक्राफ्ट की तरह लैंड करेगा। इस मिशन को इसरो ने इस साल कर्नाटका में टेस्ट किया था और ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। इसरो ने इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की हेल्प ली है। इस मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर में लॉन्च व्हीकल को बांधा और फिर उसे 4.6 किलोमीटर एयर लेकर गए और फिर वहां से लॉन्च व्हीकल को छोड़ दिया और वहां से इसरो ने लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग कराई। इस मिशन से इसरो को वेलोसिटी, एल्टीट्यूड, स्पीड, पोजीशन के बारे में पता चल गया है। अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के 3-4 मिशन और होंगे। स्पेस के अलावा इसरो ने समुद्र में भी खोज करना शुरू कर दिया है और अगले कुछ सालों में भारत की टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष के अलावा समुद्र में भी ग्लोबल होगी। इस समय इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है, समुद्रयान मैंड ओशन मिशन। इस मिशन के लिए व्हीकल बनाया गया जिसका नाम मत्स्य रखा गया। इस मिशन में इंसान व्हीकल के जरिए ओशन के 6000 मीटर नीचे जाएगा और डीप ओशन को एक्सप्लोर करेगा। इस व्हीकल में इंसान 96 घंटे तक रह सकता है। इस मिशन से भारत ओशन रिसोर्सेज जैसे कि क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी के बारे में पता लगाएगा। ऐसा मिशन अब तक सिर्फ 5 देशों ने किया है, US, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। भारत छठा देश होगा जो अंडर वाटर व्हीकल भेजेगा। 2018 से इस प्रोजेक्ट में काम हो रहा है। इस मिशन को लॉन्च भी कर दिया गया और इसका पहला फेज 3 साल का होगा, 2021 से 2024 और इस मिशन की कॉस्ट 2800 करोड़ रुपए। जब ये मिशन 2024 के एंड तक खत्म होगा तो हमें ओशंस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। इन सब मिशन के अलावा इसरो आने वाले कुछ सालों में शुक्रयान मिशन, जिसमें इसरो वीनस में एक ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर भेजेगा। मंगलयान 2 मिशन में इसरो मार्स पे रोवर और लैंडर भेजेगा और चंद्रयान 4 मिशन में इसरो मून के सैंपल को अर्थ पे लाके स्टडी करेगा। तो देखा जाए आने वाले कुछ साल इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पर यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जो इसरो के मिशंस को डिले कर सकते हैं। देखो इसरो में बहुत पोटेंशियल है, हमारे साइंटिस्ट बहुत हार्ड वर्किंग है, पर प्रॉब्लम है बजट की। 2023 में भारत सरकार ने इसरो को अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट दिया है। भारत सरकार हर साल इसरो का बजट बहुत तेजी से बढ़ा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर आज भी इसरो का बजट चाइना की स्पेस एजेंसी से 10 गुना और नासा से 15 गुना कम है। देखो अगर फ्यूचर में भारत को स्पेस सुपर पावर बनना है तो उसके लिए भारत सरकार को इसरो के बजट को और तेजी से बढ़ाना होगा। भारत अपनी GDP का सिर्फ 0.8% स्पेस सेक्टर में खर्च करता है, वही चाइना और US 3-4% खर्च करते हैं, तो भारत को इसे बढ़ाना होगा। इसके अलावा भारत सरकार को प्राइवेट कंपनीज को स्पेस सेक्टर में लाना होगा। आज के समय जो भी देश स्पेस सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं उस देश के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय प्राइवेट कंपनीज रॉकेट, सैटेलाइट के पार्ट बनाती हैं, कई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग को खुद से हैंडल करती हैं, जिससे नासा और CNSA जैसी स्पेस एजेंसी बड़े बड़े मिशन पे आराम से ध्यान दे पाती हैं। वहीं इसरो के साथ ऐसा नहीं है। इसरो सैटेलाइट रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग खुद देखता है, छोटे बड़े सब मिशन को खुद से हैंडल करता है, जिससे इसरो का वर्कलोड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके चलते इसरो के कई मिशन डिले हो जाते हैं। तो भारत सरकार को इसरो के वर्कलोड को कम करना होगा, जिससे इसरो बिग मिशंस पे आराम से ध्यान दे पाएगा। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार ने 2021 में ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत सरकार ने एक एसोसिएशन बनाया जिसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनी एक साथ एक जगह पे आके काम करेगी,
जिसके चलते भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में दे पाएगा और नए नए इनोवेशन कर पाएगा। ISPS से एक तो इसरो का बिजनेस बढ़ेगा, जिससे फ्यूचर मिशंस के लिए इसरो को फंडिंग की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इसरो को जो भी सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट का पार्ट बनवाना होगा वहां ये कंपनीज हेल्प कर देंगी, जिससे इसरो का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। और देखा जाए तो प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन शुरू भी हो गया। भारत में प्राइवेट कंपनी स्काई रूट ने अपना खुद का बनाया रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। रॉकेट का नाम विक्रम-S है। पिछले 2 सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में 100 से ज्यादा स्टार्टअप खुल चुके हैं, जो रॉकेट, सैटेलाइट और बहुत से पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कि स्काई रूट कंपनी का रॉकेट एक इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। तो जैसे जैसे इंडियन प्राइवेट कंपनीज का कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में बढ़ेगा, इससे इसरो को ही फायदा होगा और इससे आने वाले 10 सालों में इसरो स्पेस सुपर पावर बनेगा। तो फ्यूचर में इसरो को सिर्फ अपने टाइम पे मिशन को कम्प्लीट करना है और अपने सक्सेस रेशियो को बढ़ाना है, और सिर्फ इसके चलते ही इसरो बहुत कम समय में ही दुनिया की top 3 स्पेस एजेंसीज में आ जाएगा और एक स्पेस सुपर पावर कहलाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।